क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बच्चे आज कहाँ गए थे? आज ये शहीद स्मारक रामप्रसाद बिस्मिल के स्मृति सीट पे गए थे, रैली निकली थी। अच्छा, ये कैसी रैली निकाली गई थी? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। अच्छा, और ये रैली कहाँ तक कैसे होते हुए आई है? ये हमारे विद्यालय से निकली है, अजरंग चौक होते हुए जेल रोड पे शहीद स्मारक दिवस है, वहीं पे बच्चे गए थे और श्रद्धांजलि अर्पित किया, फिर वापस हम लोग अपने विद्यालय पे आ गए। विद्यालय का क्या नाम है आपके? हमारे विद्यालय का नाम राष्ट्रीय इंद्र कॉलेज बोलिया रेलवे कॉलोनी गोरखपुर में। क्या बनी है आज आप? अच्छा, और कहाँ गई थी आज आप लोग? 75वां आजादी का महोत्सव मनाया था। महोत्सव मना। अच्छा, ये भारत माता क्यों बनी है, क्या अच्छा लगता है ऐसा? हमारा देश 200 वर्ष तक रहेगी हुकूमत का गुलाम रहा, हमारे वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत इसमें अहम भूमिका निभाई और भारत माता को आज़ाद कराया। अच्छा, क्या बने हैं आप आज? गांधी जी जी। अच्छा, कहाँ गए थे आप लोग आज? रैली करने 75वां अमृत महोत्सव राम प्रसाद बिस्मिल के स्मारक माल्यार्पण करने गए थे वहाँ पे। अच्छा, ये गांधी जी बनने के पीछे कारण क्या है? गांधी जी ने हमारे भारत को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। और क्या गांधी जी की अच्छी लगी आपको बातें? गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। अच्छा, और उन्होंने तमाम आंदोलन वगैरह भी किए थे? हाँ, नमक आंदोलन, सत्याग्रह और सविनय आंदोलन, बहुत से आंदोलन किए। अच्छा, तो गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? अहिंसा और सत्य के मार्ग पर जब तुझे आंदोलन करके अंग्रेजों देश से बाहर। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।